नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम आज नया पाठ लेंगे, पाठ 5 नानक जी के पद। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं संत नानक जी, गुरु नानक देव, तो इनके पदों को हम देखते हैं। भक्त कवि नानक जी के पद भक्ति मार्ग शीर्षक से, जो पहला जो पद है वो इनका भक्ति मार्ग शीर्षक से है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्यारे विद्यार्थियों, हम नानक जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार मध्य युग में जिन महात्माओं ने भारतीय धर्म साधना और समाज व्यवस्था को गंभीर भाव से प्रभावित किया है, उनमें गुरु नानक देव जी का स्थान प्रमुख है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं गुरु नानक जी के लिए। वस्तुतः मध्यकालीन संत साहित्य में गुरु नानक का महत्व है कबीर के समान ही रहा है। कबीर के समान ही इन्होंने वेष्टि के लिए विवेक, वेष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति, व्यक्तिगत जो होता है व्यक्ति संबंधी, समष्टि का मतलब संसार संबंधी या समाज संबंधी होता है समूह के लिए, और वेष्टि का मतलब होता है एक के लिए, व्यक्ति के लिए, और समष्टि का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों संसार के लिए, समाज के लिए, समूह समूह के लिए। तो व्यक्ति के लिए, वेष्टि के लिए विवेक, वैराग्य, भक्ति और ज्ञान की अनिवार्यता का संपादन किया इन्होंने कबीर के समान ही। व्यक्ति के लिए, वेष्टि के लिए विवेक है, विवेक का अर्थ क्या होता है, विवेक माने जो अच्छे बुरे का ज्ञान जो करवाने वाली बुद्धि होती है उसको विवेक कहा जाता है। वैराग्य की भावना जिसमें सांसारिक मोह माया से विरक्त होना, मुक्त होना, भक्ति और ज्ञान की अनिवार्यता का संपादन इन्होंने भी किया। और समष्टि के लिए सदाचार, पूरे संसार के लिए सदाचार के प्रेरणा, संयम और सामाजिक उन्नयन की भावना का संस्थापन किया। तो ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। गुरु नानक जी का जन्म प्यारे विद्यार्थियों संबत 1526 में हुआ, पंजाब के तिलवंडी जो नाम गांव है वहाँ, तिलवंडी नामक गांव में कालू राम खत्री के यहाँ हुआ। इनके पिताजी का नाम था कालू राम खत्री, और ये पंजाब के तिलवंडी जो गांव है वहाँ पर इनका जन्म हुआ 1526 में, संबत जो है विक्रम संबत 1526 में। वे सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, गुरु नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं आप जानते ही हैं। इसीलिए इनका जन्म स्थान तिलवंडी को अब जो है ननकाना साहिब कहलाता है। बाकी ये अभी पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान में ये क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में है, और इनको अब वहाँ ननकाना साहिब ये गाँव है वो कहलाता है। सिखों का तीर्थ स्थल माना जाता है, ये सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है ननकाना साहिब, जो कि अभी पश्चिमी पाकिस्तान में है। धर्म प्राण सिख प्रतिवर्ष वहाँ तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, इस धर्म के अनुयायी हैं वो प्रतिवर्ष वहाँ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं ननकाना साहिब में। बचपन से ही इनका रुझान शांत मननशील और साधु जीवन की ओर रहा। बचपन से ही ये गुरु नानक जी का ये स्वभाव था, शांत था, मननशील था और साधु जीवन की ओर इनका रहा था। और आगे चलकर इनका विवाह भी हुआ, इनके दो पुत्र भी हुए नानक जी के, परंतु इनका मन गृहस्थी और व्यवसाय में न लग सका, यानी गृहस्थी होते हुए भी ये विरक्त थे, साधु समान ही थे, और गृहस्थी में इनका, व्यवसाय में इनका मन नहीं लगा, सांसारिकता में मन नहीं लगा अधिक। ये प्रायः देश भ्रमण के लिए निकल जाया करते थे, देश भ्रमण करते थे, संतों से ज्ञानार्जन करते थे। वहाँ विभिन्न धर्मों संप्रदायों के साधु संतों विद्वानों आदि का सत्संग होता रहता था, वे घूम घूम करके। और अधिकतर आप संतों को देखिए, जो संत है वो अलग अलग जगह पर जा जा करके उन अच्छे अच्छे संतों से अच्छी अच्छी बातें वो ग्रहण करते थे, ज्ञान की बातें ग्रहण कर लेते थे, और फिर वो उस अनुभव के आधार पर अपनी बातें कहते थे। तो ये यही नानक जी भी इन्होंने किया, और अच्छे अच्छे संतों से, साधु संतों विद्वानों के साथ वो सत्संग करते थे। उन्होंने बचपन में पंजाबी, हिंदी, संस्कृत और फारसी भी पढ़ी थी। कहते हैं कि नानक जी ने पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और फारसी भाषा भी पढ़ी थी। आचार्य शुक्ल जी का मानना है
कि ये भी कबीर के समान विशेष पढ़े लिखे तो नहीं थे, भ्रमणशील व्यक्ति बहुश्रुत तो होता ही है। यानी ये घूमने वाले थे, तो घूम घूम करके साधु संतों के साथ रहने से, सत्संग करने से बहुश्रुत थे, यानी बहुत लोगों से उन्होंने सुन सुन करके अपने ज्ञान का अर्जन किया, अच्छे अच्छे ज्ञान का अर्जन किया। साथ ही शास्त्रों की अपेक्षा अपने अनुभव में अर्जित ज्ञान पर अधिक अवलंबित, यानी शास्त्रों की अपेक्षा अपने अनुभव के आधार पर जो ज्ञान उनको मिला या अनुभव जो हुआ उनसे सारे उन्होंने चीज़ें हैं वो दी थी, ज्ञानार्जन है उन्होंने किया था। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ नानक देव ने में भी हम यही विशेषता पाते हैं, और सिख धर्म का प्रवर्तक होने के कारण इनके संबंध में अनेह ऐतिहासिक किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं। सिख धर्म का प्रवर्तक इन्होंने किया, इस कारण से इनके संबंध में कुछ ऐतिहासिक जो किंवदंती है वो भी प्रचलित थी, जैसे नामदेव है, रैदास है, कबीर है आदि के साथ इनकी भेंट हुई थी और प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ कालांतर में इनका जो संग्रह है, रैदास जी है चाहे वो आपके कबीरदास जी है, इनकी भेंट इनसे हुई थी ऐसा माना जाता है, जबकि ये तीनों ही उनके पूर्ववर्ती थे, यानी पहले के थे, कहा जाता है कि इनसे पहले के थे ये। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, इसमें तो थोड़ा सा प्यारे विद्यार्थियों तकनीकी समस्या हुई है, अब देखिए आगे। और नानक जी ने जो ऐसा कहा जाता है कि नामदेव जी, रैदास, कबीरदास जी इनके साथ इनकी भेंट हुई है, लेकिन ये बातें ये इस प्रकार से इनसे मेल नहीं खाती, क्योंकि ये तीनों ही इनके पूर्ववर्ती थे, पहले के थे। अस्तु गुरु नानक भक्त थे, भक्ति भाव में विहल हो जो ये पद गाया करते थे, कालांतर में उनका संग्रह सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किया। गुरु नानक जी के जो पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में है, गुरु ग्रंथ साहिब में ये सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। प्यारे विद्यार्थी, इसमें उनके सारे पदों का एक तरह से संकलन है और इनको गाया जाता है। उसके महला शीर्षक प्रकरण में इनकी वाणी संग्रहित है। इनका इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी महला एक शीर्षक है, महला शीर्षक में इनकी वाणी को संकलित किया गया है, वाणी को संकलित किया गया है। और देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कबीर के समान या निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक है, नानक जी है वो निर्गुण निराकार के उपासक है, ध्यान रखना, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक है। उनके राम भी वो राम नहीं है, दशरथ पुत्र राम नहीं है, इनके राम निर्गुण निराकार ब्रह्म है जो कबीर दास जी के थे, यानी निर्गुण निराकार जो स्वरूप परमात्मा का वो मानते थे ये, और निर्गुण पंथ के वो अनिवार्य थे, एक तरह से निर्गुण मार्गी थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों आपको। और लोगों की धारणा तो ये है कि भक्ति साधना के क्षेत्र में ये पूर्णतः कबीर के अनुयायी ही थे। कबीर के समान इन्होंने साकार उपासना, जैसे कबीरदास जी ने साकार ईश्वर की जो साकार उपासना या सगुण उपासना है, अवतारवाद है, मूर्ति पूजा, सामाजिक विभेद में देखिए जैसे ऊंच नीच है, वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध किया था। यानी कबीरदास जी ने जिस प्रकार से सगुण उपासना, साकार उपासना, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, जाति पाति इनका विरोध किया था, ऐसा ही नानक जी भी जो है विरोध करते हैं, यानी इस प्रकार की चीज़ों का वो विभेद उन लोगों को प्रेरणा वो दी, उन्होंने विरोध उन्होंने किया। परंतु उनके इस विरोध में कबीर किसी अखंडता नहीं थी, कटुता और निर्ममता नहीं, पर शांत सौम्य उदार, बड़े सौम्य कोमल भावों से, उदार भावों से उनका विरोध उन्होंने किया था। कबीरदास जी थोड़े अखड़ स्वभाव के थे, कठोरता से बात को कहते थे, लेकिन सिख धर्म के ये प्रमुख जी प्रवर्तक गुरु नानक जी हैं वो प्यारे विद्यार्थी, उनका जो स्वभाव शांति था तो शांत सौम्य और उदार विरोध वो उन्होंने किया। हालांकि वो भी ये सगुणोपासना में विश्वास नहीं करते थे, अवतारवाद पर, मूर्ति पूजा इनका वो विरोध करते थे, ऊंच नीच जाति पाति वर्ण व्यवस्था का वो भी विरोध करते थे, लेकिन उनका विरोध करने का तरीका था वो शांत था, सौम्य था, उदार। अपने दर्शन में इन्होंने ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति का समन्वय उन्होंने किया। अपने गुरु नानक जी ने अपने दर्शन में ज्ञान, कर्म और योग, भक्ति आदि का समन्वय किया। कबीरदास जी ने अपने परम तत्व को राम कहते हैं, तो नानक जी ने उसे शब्द या वाणी मानते हैं। कबीरदास जी ने जहाँ पर
अपने परम तत्व को राम कहते हैं। इन्होंने भी अपने पदों में राम जरूर लिखा है, तो वो परम तत्व को राम कहते हैं। तो नानक जी उनको शब्द कहते हैं, उस परम तत्व को नानक जी क्या कहते हैं, शब्द या वाणी कहते हैं। नानक जी शब्द कहते हैं वा वाणी कहते हैं। नानक जी का यह परम तत्व स्वयंभू है, अजन्म है। नानक जी कहते हैं कि वो जो मेरा परम तत्व है, मैं जिसको उपासना करता हूँ, वह स्वयंभू है, यानी अपने आप ही जन्म जिनका हुआ है, स्वयं से उत्पन्न है, अजन्मा है, जिसका कोई जन्म नहीं हुआ, प्राप्त होने वाला, उसकी प्राप्ति गुरु कृपा से ही होती है, ऐसा वो मानते हैं कि गुरु कृपा से उस परम तत्व की प्राप्ति होती है। नानक जीवन की सार्थकता भगवान के ध्यान और नाम स्मरण से में निरंतर निरत रहने से, निरत मैंने रत रहने से, लगे रहने से ही मानते हैं। यानी नानक जी मानते हैं कि ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर के नाम का स्मरण करो। यही कबीरदास जी भी कहते थे और यही नानक जी भी कहते थे कि ईश्वर का ध्यान नाम स्मरण बहुत बड़ा है, नाम स्मरण में निरंतर रहने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मानते थे। भगवान के भजन के सम्मुख अन्य सारे तत्व गौण है, भगवान का भजन करना चाहिए, बाकी सब तत्व भक्ति के सब गौण है, ये मानते थे, जो कम मानते थे उसको। उस परम तत्व को प्राप्त कर लेने से संसार के सारे क्लेश कट जाते हैं, ये मानते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि उस परम तत्व की अगर एक बार प्राप्ति हो गई तो सारे संसार के क्लेश बाधाएं सब नष्ट हो जाएगी, कष्ट नष्ट हो जाएंगे। साधक मुक्त आत्मा बन जाता है, वह मुक्त आत्मा बन जाता है, उस परम तत्व की प्राप्ति होने पर मुक्त आत्मा बन जाता है। कबीर के समान इन्होंने भी राम को अपना प्रियतम माना है, जैसे कबीरदास जी अपने राम को प्रियतम मानते हैं, दुल्हनी गाओ मंगलाचार हम घराए राजा राम भरतार, है ना, ऐसे राम को प्रियतम मानते हैं, ऐसे ही नानक जी भी प्रियतम मानते हैं। मेरा मनु राता लाल प्यारे राम, यानी मेरे मन वो जो परम तत्व है वो मेरे क्या है, मेरे प्रियतम है, मेरे लाल प्यारे राम है, इस प्रकार से प्रियतम राम की उपासना वो करते हैं। विनय भाव कोमलता मृदुता और इनकी तुलना में संत रैदास से की जा सकती है, विनय भाव में कोमलता में संत रैदास से इनकी तुलना करते हैं। कबीरदास जी ने अपने समकालीन और प्रवर्ती युग का बड़ा गहरा प्रभाव डाला है, कबीरदास जी का प्रभाव वह सब पर पड़ा। प्रभाव की दृष्टि से नानक जी ने कबीर से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ और आगे कुछ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इन्होंने एक ऐसे धर्म की नींव भी डाली जिनका जिनमें सबको समान स्थान और समान अवसर प्राप्त होता है। कबीर नानक जी ने एक धर्म जो चलाया सिख धर्म, उसमें सभी को समान स्थान है, समान अवसर प्राप्त है, वहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। सिख धर्म में सही धर्म है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, और कोई न भाई आडंबर भी है, न कोई भाई आडंबर दिखावा भी है, न आचारों का बंधन है। ये धर्म मानव धर्म है, मानव मन की एक अद्भुत शक्ति का संचार करता है, और इसमें उदारता निश्चलता कोमलता विनय आदि भावना का अटूट निष्ठा अद्भुत त्याग भावना अनुपम सहन शक्ति का ओजपूर्ण समन्वय है। इसी प्रकार से डॉक्टर द्विवेदी जी आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने नानक के अनुयायियों पर इनके अद्भुत और गहरे प्रभाव की प्रशंसा में ये कहा है कि यदि इनके भक्तों की, यानी द्विवेदी जी कहते हैं सिख धर्म के भक्तों के बारे में, कि यदि इनके भक्तों की त्याग भावना दुख बर्दाश्त करने की शक्ति और अपार धैर्य को देखा जाए तो ये मानना पड़ेगा कि ऐसी अद्भुत प्रेरणादायी शक्ति इनकी वाणियों ने दी है, नानक जी की वाणियों ने, ऐसी मध्य युग के किसी अन्य संत की वाणियों ने नहीं दी। इतिहास साक्षी है कि सिख भक्तों को दीवार में भी चुन दिया गया है, फांसी पर लटका दिया गया है, और जितनी भी प्रकार के अमानुषिक जो मानव को नहीं दी जा सकती ऐसी पीड़ाओं को भी दी जा सकती है, सब दी गई है, फिर भी इनके भक्तों में निराशा और पराजय का भाव नहीं दिखता, ये बहुत बड़ी बात है। और जिन वाणियों से मनुष्य के अंदर इतना बड़ा अपराज्य आत्मबल आ जाए और कभी समाप्त न होने वाला साहस प्राप्त हो सकता है, उनकी महिमा निसंदेह अतुलनीय है। ऐसे सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी की जो हम कह सकते हैं उनकी महिमा निसंदेह अतुलनीय है। सच्चे हृदय से निकले हुए भक्त के अत्यंत सिद्ध उद्गार, सत्य के प्रति दृढ़ रहने के उपदेश कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, ये नानक जी की वाणियों में स्पष्ट कर देता है, नानक जी की वाणियों में स्पष्ट दिखाई देता है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये थोड़ा सा इनके बारे में जीवन परिचय हम देखते हैं। अब हम ये भक्ति मार्ग से पहला कदम देखते हैं, मन रे प्रभु की शरण विचारो। मन रे प्रभु की शरण विचारो, जी सिमरत गन काशी उधरी,
ताको जसूरी धारो अटल भई दू जाके सिमरन अरु उदरी निर्भे पद पाइया दुख हरता इही विधि को सुहाई है कहीं बिसराइया जब ही सरनी गही कृपा निधि जब ही सरनी गही कृपा निधि गजु ग्राह ते छूटा महिमा नाम कहाँ लहू बरणहु राम कह तु बंधनु तिय टूटा अजामलु पापी जगु जाने सिमरण माही निस्तारा नानक कहत चेत चिंतामणि ते भी उतरही पारा नानक कहतु चेत चिंतामणि ते भी उतरही पारा मन रे प्रभु की शरण विचारो। तो प्यारे विद्यार्थी इस पद में नानक जी ने जो है प्रभु की शरण में जाने की बात कही है, प्रभु के स्मरण का नाम का स्मरण करने की बात कही है। तो प्रस्तुत प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद संत गुरु नानक जी द्वारा रचित भक्ति मार्ग शीर्षक से उद्धृत है, ये लिखना आपको, भक्ति मार्ग शीर्षक से उद्धृत है। नानक जी ने यहाँ राम नाम के स्मरण का, परमात्मा के नाम के स्मरण का महत्व का प्रतिपादन किया है। देखिए क्या कहते हैं, मन रे प्रभु की शरण विचारो, हे मन तुम प्रभु की शरणी मन शरण विचारो मन विचार करो। हे मन, नानक जी कहते हैं मेरे मन, मन को संबोधित करते हुए नानक जी कह रहे हैं हे मेरे मन तुम प्रभु की शरण का विचार करो। मन रे प्रभु की शरणी विचारो, शरण का विचार करो अर्थात प्रभु की शरण में चले जाओ। हे मन तुम प्रभु की शरण में जाओ, इसी से ही क्या होगा, इससे ही तुम्हारे संसार सागर से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि नाम स्मरण से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है, नाम स्मरण ही मुक्ति का आधार है, मोक्ष का द्वार है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और जी सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उरी धारो। जी मन जिसने, सिमरत का अर्थ होता है स्मरण करना, गण का अर्थ होता है गणिका यानी वेश्य, उसका भी अंतर कथाओं में पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन आएगा बार बार। एक गणिका थी, वेश्या थी, जो तरह तरह के बुरे कार्य जो गणिका जो करती है, वेश्या जो अपने शरीर को एक तरह से बेचती है, पर पुरुष से संबंध रखती है, अपने पतिव्रत धर्म का वो उल्लंघन करती है, ऐसी वेश्या वो भी प्रभु का स्मरण करके, बुरे कार्य में रत रहने वाली वेश्या भी प्रभु का स्मरण करके, नाम स्मरण करके वो भी उसका भी उद्धार हुआ है। तो इस प्रकार से ये बार बार ये आएगा। तो यहाँ पर लिखा कि जी सिमरत गणका सी उधरी, गणका मैंने वेश्या गणिका, उधरी मैंने उद्धार हुआ है, ताको जसु उरी धारो, ताको मैंने उसको, जसु मैंने यश महत्व, उरी मैंने हृदय, धारो मैंने धारण करो। अब देखिए नानक जी कहते हैं कि जिस नाम का, जिस ईश्वर के नाम का स्मरण करके बुरे कार्यों में लिप्त हो रहने वाली गणिका भी जिनका उद्धार हो गया, वेश्या का भी उद्धार होगा, जिस नाम का स्मरण करके अत्यंत बुरे कार्य करने वाली, अत्यंत बुरे कार्यों में लिप्त रहने वाली गणिका यानी वेश्या का भी उद्धार हो गया, ताको जस उरी धारो, ताको मैंने ऐसे प्रभु के नाम का, ऐसे ईश्वर के नाम के महत्व को या जस को उरी धारो मैंने हृदय में धारण करो। प्यारे विद्यार्थी समझ में आ गया, ऐसे नाम को धारण करो जिस नाम का स्मरण करके गणिका का उद्धार हो गया, ऐसे ईश्वर के नाम के यश को, ऐसे ईश्वर के नाम के महत्व को अपने हृदय में धारण करो अर्थात ईश्वर का स्मरण करते रहो। अटल भयो दुए जाके सिमरणी अरु उधरी निर्भ पद पाइया, अर्थात अटल मैंने स्थिर, अटल भयो मैंने हुआ पाया हो गया, दुए मन का अर्थ है, दुए का अर्थ होता है ध्रुव, ध्रुव जो तारा हम कहते हैं ध्रुव तारा, तो वो ध्रुव जी भक्त है, भक्त ध्रुव है, आपको पता है इनकी कहानी कथा आपको पता होगी, उत्तम राजा उत्तानपाद थे, उनके पुत्र का नाम था ध्रुव। कहते हैं राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति, तो सुनीति का जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम, क्षमा करना ध्रुव, और सुरुचि का जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम। कहते हैं एक बार दरबार में दोनों पुत्र संवेशक ही थे, दो रानियां थी, दो पुत्र थे, और कहते हैं कि दरबार में उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे, पास में उनकी प्रिय रानी जो छोटी रानी थी सुरुचि बैठी थी, और सुनीति से वो इतना ज़्यादा प्रेम नहीं करते थे, और उसका अलग से महल था, लेकिन दोनों बालक खेल रहे थे
और खेलते खेलते कहते हैं कि उत्तान और उत्तम और ध्रुव है वो दोनों खेलते खेलते पिताजी की गोद में जाकर के बैठ गए। ये देख करके सुरुचि को जो सौतेली एक तरह से माँ थी तो ईर्ष्या और डाह के वशीभूत होकर के उसने राजा उत्तानपाद की गोद से यानी उनके ध्रुव के पिताजी की गोद से ध्रुव जी को पकड़ करके नीचे गिरा दिया और कहा कि तुम इस गोद में बैठने के लायक नहीं हो, इस पर तो केवल मेरा पुत्र ही बैठेगा यानी उत्तम ही बैठेगा। अगर तुझे इस गोद में बैठना होता तो तुम मेरे गर्भ से जन्म लेते। इस प्रकार से अपमानित करके उसको उनको निकाल दिया। उस समय छोटी सी अवस्था थी किसकी, ध्रुव जी की, और ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता के पास जाते हैं सुनीति के पास कि माता जी आज मेरे साथ जो छोटी माता जी है उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे गोद में पिताजी गोद में नहीं बैठने दिया। तो सुनीति बड़ी जो है दुखी हुई, लेकिन अपने पुत्र को ढांढस बंधाया और कहा कि हम सबका पिता एक ही है, अर्थात तुम्हारा पिता तो विष्णु है, परम परमात्मा हरि विष्णु है, उसकी गोद में तुम्हें बैठना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। जब ऐसा कहा और ध्रुव जी को वो बात लग गई और ध्रुव जी उस परमात्मा रूपी उस हरि रूपी पिताजी की खोज में वन को चले गए। कहते हैं कि वन में बहुत सारे साधु संत मिले और सभी से ध्रुव जी छोटी अवस्था थी तो ध्रुव जी सबसे एक ही बात पूछते कि मुझे उन विष्णु जी का पता बताओ, मुझे उनकी गोद में बैठना है। इस प्रकार की जिद हट कर ली उन्होंने। तो साधु संत बोले कि अभी तुम्हारी बहुत छोटी अवस्था है, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओ तब तुम वन को तपस्या करने के लिए आ जाना। लेकिन ध्रुव जी बड़े जिद्दी थे, हटी थे कि मुझे तो बस विष्णु भगवान चाहिए, मुझे तो उनकी गोद में बैठना है। तो जब सब उन्होंने देखा कि ये तो बालक बड़ा हट्टी है तो उनको कहते हैं कि एक मंत्र दे दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण जो भी है उनका तुम स्मरण कर, तो बार बार बोलो और उससे एक दिन प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें दर्शन दे देंगे। और ध्रुव जी है वो कहते हैं कि बहुत कठोर तपस्या, उन्होंने 6 मास तक बहुत कठोर तपस्या की और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप कहते हैं कि भगवान हरि ने उनको दर्शन दिया और उनको अपनी गोद में भी बिठाया और एक पिता तुल्य प्रेम दिया। और इस प्रकार से उन्होंने अटल ध्रुव स्थान भी उनको वरदान में दिया और इस प्रकार से राजा ध्रुव जी बहुत अच्छे शासक बने। और अंत बाद में जब उनका शरीर अंत होगा और उसके बाद में उनको अटल पद ध्रुव की ध्रुव लोक को प्राप्त वो किया उन्होंने। तो इस प्रकार की कथा आती है प्यारे विद्यार्थियों। तो कहते हैं कि अटल भयो दुए जांके, अटल मैंने स्थिर किया, भयो मैंने हो गया, धुए मैंने ध्रुव जाके मैंने जिनके नाम का स्मरणी मैंने स्मरण करके, अरु मैंने और, उधरी मैंने उद्धार हुआ, निर्भय मैंने निर्भय, पद मैंने पद पाइया मैंने प्राप्त किया। अर्थात निर्भय पद पाया का मतलब अमर स्थान को, अमरत्व को प्राप्त कर लिया। यानी ध्रुव जी ने वह भगवान के नाम का स्मरण करके अटल स्थान प्राप्त करके अटल होकर के ध्रुव जी ने भगवान के नाम का स्मरण करके निर्भय पद को प्राप्त कर लिया, अर्थात अमरत्व की प्राप्ति कर ली। तो इस प्रकार से भगवान के नाम का स्मरण करके ध्रुव जी ने अमरत्व पद को प्राप्त कर लिया, निर्भय हो गए, निर्भय पद को प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब अगला देखिए। दुख हरता इह विधि को सुआई है काहे बिसराइयां। दुख हरता मैंने प्रभु का जो नाम है वो समस्त दुखों का, दुख हरता मैंने दुख का, हरता मैंने हरण करने वाला, नाश करने वाला। इही विधि मैंने इस प्रकार से नाम स्मरण को, इही विधि मैंने इस प्रकार से या इस नाम के स्मरण को सुआई मैंने पवित्र नाम, पवित्र सुआई का अर्थ होता पवित्र। तो इस पावन नाम को, इस पवित्र नाम का जो है जो स्मरण करता है उसके सारे दुख है वो हरण हो जाते हैं। अर्थात समस्त ईश्वर का जो पावन नाम है वो पवित्र नाम है, वो समस्त प्रकार के दुखों का हरण करने वाला है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो समझ में आ गया होगा। है काहीं बिसराइयां कि इसीलिए तुम क्यों बिसराइयां मैंने उस सांसारिक जो चक्र है, सांसारिक जो मोह माया है उसमें पढ़ करके हे मन, तू क्यों बिसराइयां का अर्थ होता है भूलना। काहे मैंने क्यों कि क्यों इस ऐसे पावन नाम को, ऐसे पवित्र नाम को तुम भूल रहे हो, इस सांसारिक मोह आसक्ति में पड़ करके उस परम नाम को, उस परमात्मा के नाम को तुम क्यों भूल रहे हो। बिसराइया का अर्थ होता है भूलना। जब ही सरणी गई कृपा निधि गजु ग्राहते छूटा, जब ही मैंने जब सरणी मैंने शरण में गही मैंने पढ़ करके, देखिए पहले विद्या तो शब्दार्थ आप दोनों नोट कर लेना। जब ही मैंने जब सरणी मैंने शरण गही मैंने पढ़ करके कृपा निधि मैंने कृपा निधि
कृपा करने वाले, कृपा के भंडार, कृपा के स्वामी। ऐसे गजू मने हाथी, ग्रह मने मगरमच्छ, ते मने से छूटा मने छूटा। ये भी गज ग्रह की कथा आती है, पौराणिक कथा है कि कहते हैं कि पूर्व जन्म में दोनों वो भाई थे, या जो भी थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा कि वो पार्षद थे और किसी कारणवश उनको श्राप मिल गया और एक हाथी बन गया, एक है वो मगरमच्छ बन गया। तो कहते हैं कि वो हाथी है वो तालाब में या सरोवर नदी में पानी पीने के लिए जाता है, स्नान करने के लिए जाता है, और उसी समय उसी तालाब या नदी के अंदर वही मगरमच्छ है वो निवास करता है, वह रहता है। और कहते हैं कि वो पानी पी रहा था, अचानक से मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया और पूर्व जन्म की स्मृति के कारण कहते हैं कि हाथी को ईश्वर का नाम याद रह गया। और कहते हैं कि जब हाथी को पकड़ करके वह पानी के अंदर खींचने लगा मगरमच्छ ग्रह, तो वह इतना घबरा गया कि बचने की उम्मीद नहीं है। तो उस समय कहते हैं कि हाथी ने अपनी सूंड से एक कमल को, वहाँ पर जो कमल उगे हुए थे उस कमल को तोड़ा और हरि को अर्पण कर दिया कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में मेरे रक्षा करो। तो कहते हैं कि उसी समय विष्णु भगवान ने, हरि ने, प्रभु ने उनकी रक्षा की और गज को ग्रह से मुक्त किया था। ये भी कथा आती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से जब ही शरणी गई कृपा निधि, जब उस कृपा निधि परमात्मा की शरण में पड़ करके हाथी भी जो है मगरमच्छ के मुख से छूट गया। ऐसे भगवान के नाम का स्मरण करने से प्रभाव होता है। तो हाथी भी जो है कृपा निधि भगवान ईश्वर की शरण में पड़ करके उस मगरमच्छ से छूट गया और अपने जो उसका उद्धार हो गया। महिमा ताम कहाँ लव वरणु राम कहत बंधन तिये टूटा। महिमा ताम, ताम मैंने उनकी ना क्षमा कर नाम है, मैं तो मिस प्रिंट हो गया बोलने में थोड़ा। महिमा नाम कहाँ लव वरणु, कि परमात्मा के नाम की महिमा का कहाँ मैंने कहाँ तक, लव मैंने तक, कहाँ मैंने कहाँ, लव मैंने तक, वर्णु मैंने वर्णन करूँ, कि मैं कहाँ तक उस परम पावन नाम का कहाँ तक बखान करूँ, वर्णन करूँ। और राम कहत बंधन तिये टूटा, राम का स्मरण करते करते सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। राम कहत बंधनु, बंधन मने सांसारिक बंधन, तिये मने उसके, टूटा मने टूट जाते हैं। राम कहने से सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नानक कहतु, नानक जी क्षमा करना आगे चला गया। अजामलु पापी जगु जाने, कि अजामिल पापी को कौन नहीं जानता। अजामिल भी एक पापी था, एक व्यक्ति था, कहते हैं कि वह बहुत बुरे बुरे कार्य करता था, लेकिन अंत समय में अपने पुत्र को पुकारने से उसकी मुक्ति हो गई, क्योंकि उसके पुत्र का नाम नारायण था। तो अजामिल है वो, अंत समय में जब मृत्यु को प्राप्त हुआ, वृद्धावस्था में जो भी है बीमार की अवस्था में, वह अपने पुत्र को याद करता रहा कि हे नारायण तुम कहाँ है, नारायण तुम कहाँ है, नारायण तू आ, नारायण तू आ जा, नारायण तू कहाँ है। इस प्रकार से नारायण नारायण कहते कहते उसका अंत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और नाम का अंत समय में नाम का स्मरण करने से कहते हैं कि वह नरक योग्य जो पात्र था वह भी वैकुंठ का पात्र बन गया, अर्थात उसकी भी मुक्ति होगी, उसका उद्धार हो गया। तो अजामलु पापी, तो यह नाम का महत्व है। नाम लिया केवल, वो जानबूझ करके ले हो या फिर अनजाने में ले हो, दोनों में फायदा करता है। यानी ईश्वर का नाम दोनों ही रूपों में फायदा करता है। जैसे भाई आग को जानबूझ करके हाथ लगाओगे तो भी हाथ जलेगा, और अनजाने में भी अगर आग में हाथ जाएगा तो भी हाथ जलेगा ही। इसी प्रकार से ही ईश्वर के नाम की बड़ी महत्ता है, कि ईश्वर का नाम अगर जानबूझ करके भी लिया जाए तो उसकी तो महिमा का गुणगान कौन कर सकता, बखान। लेकिन ईश्वर के नाम का अनजाने में भी अगर नाम ले लिया तो भी मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, अर्थात उसकी उसका उद्धार हो जाता है, जैसा अजामिल का हुआ। ये अंतर कथाएं, पौराणिक कथाएं आती है। अजामलु पापी जगु जाने, कि अजामिल पापी को सारा संसार जानता है। सिमरण माही निस्तारा, नानक जी कहते हैं स्मरण करने से, प्रभु के नाम का गुणगान करने से, स्मरण करने से माही मने से निस्तारा, निस्तारा का अर्थ होता है उद्धार हो गया, मुक्ति हो गई। अजामिल जैसे पापी का भी भगवान के नाम का स्मरण करने से उसका उद्धार हो गया। नानक कह तू चेत चिंतामणि ते भी उतरे पारा, ते मने वे भी, वे का अर्थ यहाँ पर मन से आया है। और नानक कह तू मने कहते हैं, चेती मने चेत जाओ, जागृत हो जाओ। चिंतामणि, चिंतामणि कौन सी चिंतामणि, राम नाम के स्मरण रूपी चिंतामणि, राम नाम रूपी चिंतामणि के प्रति तुम चेत जा हे मन। नानक जी कहते हैं मन, हे मनुष्यों, हे मन,
तुम राम नाम की चिंतामणि के प्रति चेत जाओ, जागृत हो जाओ, क्योंकि फिर क्या होगा, ते भी उतरे पारा, तो आप भी उस राम नाम रूपी चिंतामणि का ध्यान करने से, राम नाम का स्मरण करने से आपका भी उद्धार हो जाएगा, आप भी उतरे ही पारा, आप भी संसार सागर से पार हो जाओगे। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये पद है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसीलिए ही राम के नाम की महिमा का बड़ा गुणगान है, बड़ी महिमा है, और राम की शरण में ही हमें चले जाना चाहिए, भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसके नाम का स्मरण करने से संसार से मुक्ति मिल सकती है, सांसारिक चक्कर से वो मुक्त हो सकता है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि गुरु नानक जी ने राम के नाम का महत्व को, राम के नाम के स्मरण की महिमा का जो है प्रतिपादन किया है, राम के नाम के स्मरण के महत्व का प्रतिपादन किया है, और यही राम के नाम का स्मरण ही उद्धारक स्वरूप है, यानी यही उद्धार करने वाला, ऐसा उन्होंने प्रेरणा दी है। और इस पद में आई हुई जो अंतर्कथाएं हैं उसके माध्यम से राम के उद्धारक स्वरूप का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से राम के नाम की महिमा है। और ये जो कथाएं आई है, चाहे गणिका ने नाम लिया, ध्रुव जी ने नाम लिया, या फिर ये अजामिल ने नाम लिया तो उसका उद्धार हो गया, तो इस प्रकार से ये जो अंतर्कथाएं आई है उससे राम नाम के उद्धारक रूप का प्रकाशित किया गया है, अनुप्रास अलंकार आदि का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा, और ये पद प्यारे विद्यार्थियों भक्ति मार्ग से है, तो आशा करता हूं यह समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे नानक जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के, तब तक के लिए इस पद की व्याख्या को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।